बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट, मैं हूं आसिफ खान। और हम बात कर लेते हैं आज मोहम्मद आमिर की, पाकिस्तान के मायानास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। और बहुत उम्दा करियर रहा, बीच में एक गैप आया करियर में, 5 साल का स्पॉट फिक्सिंग केस की वजह से। अब खैर उसको भी बहुत अरसा हो चुका है, 2015 में वापस आए मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए, फिर खेले। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, उसकी वजह उनके मिसबाह उल हक से इख्तलाफात हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि इस इंतजामिया के अंडर वो नहीं खेलेंगे, तो ही इज़ कंसिडर्ड एज अ रिटायर्ड प्लेयर इन पाकिस्तान। और मैं ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया के हवाले से कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, मैं उनके हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि आमिर इज़ नॉट कंसिडर्ड बिकॉज ही हैज़ हिमसेल्फ अनाउंस रिटायरमेंट। सो दिस इज़ द केस एज फार एज आमिर इज़ कंसर्न। लेकिन अभी क्या इतला है नई, वो ये है कि आमिर के बारे में ये खबर आई कि वो IPL खेलने जा रहे हैं, या ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद वो IPL खेल सकेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरी आमिर से बात हुई है, रेजिडेंसी कार्ड उनको मिलना है, जो कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और अब से 2 साल का अरसा उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन लगेगा इसको रेजिडेंसी कार्ड को मिलने में, और उसके बाद उन्हें मिलेगा पासपोर्ट। तो इसका ये मतलब है कि 2 साल, कम से कम 2 साल तो आमिर एलिजिबल नहीं होते बरतानवी पासपोर्ट के। तो कम से कम 2 साल बरतानिया के शहरी नहीं बन सकेंगे, तो कम से कम 2 साल IPL भी नहीं खेल सकेंगे। तो ये है आमिर के हवाले से एक इतला। और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है फ्री हिट पे, अब ये है कि जो ऐसी खबरें होती हैं ना, कुछ अलग से खबर और उस पर एनालिसिस, वो मैं देता हूँ आपको, और आपका शुक्रिया कि आप लोग सुनते हैं। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से ये, वो आमिर से पहले आपको पता है अज़र महमूद भी ब्रिटिश सिटीज़न होने के नाते IPL खेल चुके हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स वो के पहले IPL में खेले थे, उसके बाद से नहीं खेले हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी हाल ही में वहाब रियाज ने भी कहा कि IPL इज़ अ लीग विच इज़ सुपीरियर देन टू PSL। चलें ठीक है, आधे का फ़र्क है। तकरीबन हमें PSL खेलते हुए 2016 से 5वां साल है, और IPL को 2007-08 से काफ़ी अर्सा हो चुका। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस IPL इज़ ऑफ कोर्स अ सुपीरियर लीग, और इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम दैट इज़ इन्वॉल्व इन द IPL, इट इज़ अगेन अ बिगर लीग दैन द PSL, दैन द CPL, दैन द BPL, देन एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। सो ये सूरत हाल है। तो आमिर के हवाले से आपको मैंने इतला दी, आई रिपीट, उनको रेजिडेंसी कार्ड मिलने में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, जो उन्होंने मुझे बताया, और उसके बाद उनको पासपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ही विल बी एलिजिबल टू प्ले दी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। सो ये तो रही आज की ये खबर, और उस पर थोड़ा सा हमारा मुतज़िया। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस तरह की खबरें आपके लिए लेते आते रहेंगे। आपका देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।